Hello, all you talented people in the house. जय जगदम्बे माँ। आज मतलब इस पवित्र दिन पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ये नवरात्रि में मेरे ख्याल से हमारा बैक टू बैक चौथा सेशन है। क्या बात क्या बात। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 24 में। 24 एपिसोड यार बैक टू बैक। कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता क्या बात है। फुल पावर गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से धमाकेदार एपिसोड में। और आज हमारे साथ होने वाले सुपर टैलेंटेड वॉइस एक्टर उर्फ, मतलब उर्फ तो क्या बोलूं अभी मैं, साथ ही एक्टर है और बहुत ही काबिल इंसान है, काफी ज्ञानी है, काफी जाने माने, सुमित कॉल। सुमित कॉल जी को आपने स्क्रीन पे भी काफी बार देखा होगा, काफी वो टीवी के लिए सीरियल्स के लिए काम कर चुके हैं डेली सोप में। उनको आपने हैदर में देखा होगा शाहिद कपूर के साथ। तो अद्भुत कलाकार हैं, वन ऑफ माय फेवरेट। तो उनके साथ मैं आज धमाल मचाने वाला हूं और आज की स्क्रिप्ट वाकई बहुत ही अलग है। पूरी तरह से सलाम है, श्रेय जाता है एक बार हमसे हमारे स्टार राइटर अनुराग पराशर को, मेरे भाई, फुल पावर भाई। और ये ब्रॉली 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 बहुत चाहिए। कैकरोट कैकरोट। कोई सोचेगा अरे ये क्या हो गया भाई को, अचानक क्या हो गया। तो आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको वादा किया था कि आज मैं, जिन्होंने वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी के लिए मुझे स्टोरी में डाला है, टैग किया है, उन सबको मैं आज स्टोरी में डालूंगा। तो बस थोड़ा थोड़े घंटे और, क्योंकि आज पूरा दिन बहुत अस्त व्यस्त रहा, मैं बिजी रहा हूँ काफी, यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां वाला मामला रहा है आज। ओके भाई, थैंक यू सो मच, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। हाय हल्लो कर रहे हैं सभी और काफी मैसेजेस लिख रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी जानते हैं कि सब मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि पूरी तरह से समर्पित है हमारा ये लाइव वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी के लिए। और आप सब मुझे ताकत दे रहे हैं, आप मुझे डीएम कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि आप सबको मैं बताऊं, आप सब जो लिखते हैं कि सर आप नए नए वॉइस एक्टर्स को हमसे ये रूबरू करवा रहे हैं, परिचय करवा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और सीखने को मिलता है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और दूसरी बात, आप में से कई लोग ने वॉइस एक्टिंग शुरू कर दी है और उसका मतलब जूम या तो वॉइस कॉल या वीडियो कॉल के जरिए आप वो जो स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजते भी हैं कि सर आज हमने वॉइस एक्टिंग की। तो वाकई ये मेरे लिए गर्व की बात है, बहुत ही अच्छी बात है, हमारी पूरी टीम के लिए वाकई एक फुल पावर वाली बात है। थैंक यू सो मच गाइज। तो यस यस, आपका प्यारा ब्रॉली आपके सामने हाजिर है वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 24 लेकर। तो आज हमारे जो कलाकार हैं, हम ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, धमाल फुल पावर वॉइस एक्टिंग शुरू करूंगा उनके साथ। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी दशहरा आपको भी निखिल। ओह क्या बात क्या बात, मेरा हैंडसम, मेरा भाई, फुल पावर, क्या हाल है, कैसे हो? मुझे तुम्हारा ये फुल पावर बहुत पसंद है राजू, राजेश कावा। आई लव इट जब तुम फुल पावर बोलते हो ना, सचमुच जैसे सामने वाले के बदन में फुल पावर आ जाती है। बस 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 मेरे भाई, सच में कहूं मैं सुमित कॉल जी, मैं यही करना चाहता हूं। देखिए आजकल आजकल के जमाने में मतलब मैं तो काफी कुछ कोशिश कर रहा हूं कि काफी इस क्राफ्ट को लेकर बातें फैलाऊं, काफी कुछ दे सकूं वॉइस एक्टर को इंट्रोड्यूस करके या कुछ सिखा सकूं चंद चंद परसेंटेज। लेकिन अगर देने की बात आए तो मैं फुल पावर बोल के ऊर्जा देने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए काफी लोग लिखने लगे पॉजिटिव एनर्जी, तो ये ऊर्जा है, ऊर्जा आज की तारीख में बहुत ही जरूरी है, मतलब गिव मी सम एनर्जी, वो वाली बात है। तो अगर मैं ये फुल पावर कह के हमेशा ही सही देते हैं, यस यस, बस तो वही कोशिश है कि अगर मैं फुल पावर ये शब्द के जरिए भी वो कुछ तार पहुंच रहे आप तक और कनेक्शन है तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच मेरे भाई। शब्द का एक्चुअली तुम शब्द का एक तुम एक बहुत अच्छा इस्तेमाल भी करते हो जो तुम वॉइस एक्टर बोलते हो, क्योंकि यू नो काफी वक्त से हम सबको वॉइस आर्टिस्ट
जनरली एक जो नाम से नॉर्मली जाना जाता है, तो वो एक ना एक तरह से थोड़ा सा वेग नाम है, क्योंकि आर्टिस्ट तो सभी होते हैं, बट द मोमेंट आप उसको एक वॉइस एक्टर कहते हैं ना, तो उसको एक एक्स्ट्रा क्या कहते हैं ना, एज एन एक्टर मुझे एक एक्स्ट्रा चाबी मिल जाती है कि ठीक है, मतलब मैं अपने वॉइस के थ्रू, अपनी आवाज के थ्रू एक अभिनय कर रहा हूँ। तो वो भी तुमने एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है। ये मैं ये शब्द मैं बकायदा मैं ये हक से बोलता हूं और पूरे गर्व के साथ बोलता हूं, हाय दिस इज राजेश कावा, मैं एक वॉइस एक्टर हूं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस ओवर एक्टर या एक चीज के साथ जुड़ा नहीं रहना चाहता। अगर मैंने कोशिश की है, आज भी कर रहा हूं और मरते दम तक करता रहूंगा कि मैं वर्सेटाइल बनूं, सारी चीजें कर सकूं, क्योंकि मैं वॉइस एक्टर हूं आवाज के जरिए। और ये एब्सोल्युटली एक इंटरनेशनल टर्म है ना, इंटरनेशनल टर्म। थैंक यू सो मच मेरे भाई, और मुझे गर्व हुआ कि नो, सुनील यू आर कौल। डेफिनेटली वन ऑफ दी बेस्ट वॉइस एक्टर्स आई हैव मेट एंड आई हैव वर्क विद। यार तो थैंक यू सो मच। और मुझे गर्व हुआ कि सुमित कौल सर, मतलब जब भी सुनते हैं या लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो सुमित कौल जी ने ये नोट किया कि राजेश कवा वॉइस एक्टर बोलते हैं या लिखते हैं, तो हाँ, ये अच्छा लगा। नहीं चलो एक नो चलो, डाउट थैंक यू नो सो डाउट, मच। ये चीजें हैं यू नो, बिकॉज ये जो तुम कह रहे हो सोच समझ के कह रहे हो, राइट? ऐसे खामखा की चीजें नहीं है। अगर तुम फुल पावर कह रहे हो तो सोच समझ के कह रहे हो, तुम एक कॉन्शियसली वो चीज कर रहे हो, और वो बड़ी बात होती है, क्योंकि आए जाए तो हम कई चीजें कह देते हैं, लेकिन आप सोच समझ के आप कॉन्स्टेंटली लोगों के दिलो दिमाग में ये चीज पहुंचा रहे हो कि ये एक यू नो जो डबिंग आर्टिस्ट बोल के जो एक यू नो आप अब उस पूरे काम को, मैं नहीं कहूंगा छोटा किया जाता है, बट थोड़ा सा जनरलाइज किया जाता है यू नो कि यू नो। तो हम अगर देखा जाए कि मैं देखता हूँ जैसे आप कितने लोगों के साथ आप अपना ये जुगलबंदी करते हैं, तो और सभी जिन जिनके साथ आपने किया है, मैंने अपने छोटे से करियर में, वॉइस एक्टिंग के करियर में नोटिस किया है कि इन सभी ने एक वो कहते हैं ना डबिंग आर्टिस्ट के पद से उठकर कुछ एक नया अलग बड़ा करने की कोशिश की है, जहां पर आप दिखाते हैं कि मैं सिर्फ आवाज नहीं दे रहा हूँ, उस आवाज में एक रूह डाल रहा हूँ, एक जान डाल रहा हूँ, एक एक मैनरिज्म डाल रहा हूँ, उसके पीछे एक सोच है यू नो कि और एक स्किल है, एक टेक्निक है। वो सिर्फ सिर्फ मैं आवाज सिर्फ मेरी आवाज का इस्तेमाल नहीं है, उसमें मैं अपना अभिनय भी डाल रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत सोच समझ कर शब्द का इस्तेमाल है। हो सकता है शायद बाहर ज्यादा इस्तेमाल होता था, जब मैंने शुरुआत की थी यहाँ पर हमेशा यू नो वो डबिंग आर्टिस्ट सुनाई देता था। तो अब आप जब आप कह रहे हैं तो होपफुली ये ज्यादा प्रचलित होगा, लोगों को ज्यादा इसका ज्ञान होगा। तो उम्मीद करते हैं। और सर, काफी लोग नीचे लिख रहे हैं, सुमित जी आपकी आवाज लो आ रही है, बोलिए अभी सुने। आप या तो ईयरफोन अगर आप, क्या ये ब्लूटूथ वाले हैं या वो प्लग इन ब्लूटूथ करने वाला है, वाले हैं? हटा दूं आप कह रहे हैं, हटा दूं? अगर हट जाए तो फोन से बहुत बेहतर आवाज आएगी वाकई, लेकिन आपको हाँ ब्लूटूथ हो सकता है, वीडियो थोड़ी देर हट पॉज गया। हो जाए। अब प्लीज मुझे मुझे वापस क्या कहते हैं फीडबैक दीजिए, क्या अभी आवाज बेहतर हुई है पहले से? क्या बात है, 4 गुना बेहतर हुई है मेरे भाई, सो सॉरी, सो चार सॉरी, गुना बेहतर। मैं इतनी सारी चीजें राजेश कावा जी के बारे में भूल गया, उनके फुल पावर और वॉइस एक्टर के बारे में आप लोगों को सुनाई थी कि नहीं थी? नहीं, अब बेहतर है, ओवरऑल बेहतर है सर, और नेटवर्क भी ज्यादा बेहतर हो गया। आपकी तस्वीर जो दिख रही थी और क्लियर हो गई मेरे भाई, तो मतलब आई डोंट नो ये कैसे, हाँ कैसे ये ब्लूटूथ से ये कैसे ये उसको रोके रखा था उस चीज को, पता नहीं। अभी देखिए लोग लिख रहे हैं बेटर, मस्त आ रही है, देख चलो है ना, चलो चलो चलो, तो ग्रेट। बेहतर है, सुपर है। तो वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी एपिसोड नंबर 24 में सुमित कौल, सुपर एक्टर, बहुत ही अच्छे मंजे हुए एक्टर, इन्होंने काफी टेलीविजन किया है, आपने काफी फिल्मों में देखा होगा इनको, और मेरे वन ऑफ मतलब चहेते आर्टिस्टों में से, दोस्त आर्टिस्टों में से, जिनके साथ मैं खुल के, भले हम लोग हमारी हमारी केमिस्ट्री ऐसी, मैं लोगों के सामने खुले किताब की तरह बयां करना चाहता हूँ कि हम लोग ना ही रोज मिलते हैं, ना ही बातें करते हैं, ना ही फोन पे, हम कभी महीने, 2 महीने, 6 महीने या तो 15 दिन में कभी कोई स्टूडियो में मिल जाते हैं, लेकिन तभी जो हम मिलते हैं और वो जो एक एक कनेक्शन है ना, वो वाकई कमाल है। थैंक एब्सोल्युटली, यू सो मच और उसके लिए उसका सुमित, श्रेय वाकई मैं आपको देता हूँ राजेश, क्योंकि
आप वो कनेक्शन टूटने नहीं देते हैं किसी भी तरीके से, और जहां टूट रहा है वहां पर आप अपने फुल पावर आके उस कनेक्शन को फिर से जोड़ देते हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड। पूरी कोशिश रहेगी, बस ऐसे ही कनेक्शन बरकरार रहे, दोस्ती यारी बने रहे। ऑल्सो और मैं काफी आपको आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर ये जो आपने सीरीज शुरू की है, ये क्या कहते हैं जुगलबंदी की है, मतलब इट्स अ वेरी यूनिक मेथड इन ऑफ कनेक्ट, नॉट ओनली कनेक्टिंग, आप ऑडियंस से कनेक्ट तो हो रही है, हो ही रहे हैं, फैन से कनेक्ट हो रहे हैं, उसके अलावा आप उनको एक एक इनसाइड व्यू दे रहे हैं कि जब काम किया जाता है कि कैसे हम अपने आवाज के जरिए एक किरदार को एक जान किरदार में जान डालते हैं, तो अच्छी मुहिम छेड़ी मतलब है आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, काफी लोगों ने पसंद किया है इसको और मुझे गर्व होता है जब आप सब साथ देते हैं और हम सब साथ मिलके इस वॉइस इंडस्ट्री के इस क्राफ्ट को लेकर आगे चलते हैं, तो काफी अच्छी बात है, कोशिश है ये। थैंक यू सो मच मेरे भाई। और एक बार आपको भी फिर से कह दूं, मैंने फोन पे तो बताया था लेकिन एक बार फिर से कह दूं, विजयादशमी की दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं आपको और बिल्कुल, परिवार को सब, आप सभी को और जो हैप्पी भी सुन दशहरा, और मुझे उम्मीद है कि आप सब आज के दिन ये एक मुहिम छेड़ेंगे, एक प्रण लेंगे कि अपने अंदर के रावण को हम ध्वस्त कर सकें, उसे जला सकें, उसे खत्म कर सकें। हैप्पी दशहरा और विजयदशमी की आप सभी को शुभकामनाएं। अभी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि जो बातें करेंगे कुछ हम, आपके कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग, आपके जो वेनम वाला कैरेक्टर जो था वो काफी पसंद किया गया, और भी काफी कैरेक्टर, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। एवेंजर, एवेंजर वाला कौन सा था, एवेंजर? अवेंजर्स जो सिविल वॉर वाला जो था उसमें ब्लैक पैंथर का किरदार किया था। अपने आप में बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है। टिचाला, तो टिचाला जो दूसरे, अनफॉर्चुनेटली रियली सैडली ही इज पास्ड अवे अभी रिसेंटली, उनका जो जो कैंसर से 3 साल तक वो लड़ते रहे, एंड अ वंडरफुल जी। एक्टर एक्चुअली। वो भी एक चीज है, यू नो एज वॉइस एक्टर्स मुझे लगता है कि मैं पहले एक्टर था और फिर वॉइसिंग में आया, जी तो हम एज एक्टर्स, और आप भी एक एक्टर हैं इनफैक्ट, तो आप समझेंगे कि हम ना हमारे सबके अपने एक एक स्टाइल, एक मेथड, एक यू नो एक सेट होने लगता है एक पॉइंट के बाद। यू नो आप लेजीनेस जो होती है मन की, वो आपको बोलने लगती है हाँ देखो ये मेरे लिए वर्क कर रहा है तो मैं इसी में बना रहता हूँ। लेकिन एज अ वॉइस एक्टर जब आप सामने वाले को की आवाज पर हिंदी में डब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो अब आप सुमित कौल वाली एक्टिंग नहीं कर सकते, आप राजेश खन्ना वाली एक्टिंग नहीं कर सकते, आपको उस इंसान ने जो किया है उसको मैच करते हुए इंडियनाइज करना पड़ता है, तो आपको अपने शेल को ना एज एन एक्टर ब्रेक करना पड़ता है, ताकि अगर जैसे कि अगर अगर सपोज लाइन है कि राजेश यार बहुत अच्छे लग रहे हो, तो अगर ये लाइन है अब सामने वाला बोल रहा है राजेश यार बहुत अच्छे लग रहे हो, तो अब मैं नॉर्मली ऐसे बात नहीं करता और ना ही मुझे आता है, तो लेकिन अब मुझे वैसे करना पड़ेगा, तो मुझे अपने अपने उस यू नो अपने उस वीकनेस को, कि मैं जो वो नहीं कर पा रहा हूँ उसको तोड़ के वैसा बनना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, तो उससे ना एज एन एक्टर मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। आई एम श्योर तुम्हें भी यू नो आप जब अच्छे अच्छे एक्टर्स को डब करते हैं, उनकी वॉइसिंग करते हैं, तो उन्होंने क्या मेथड यूज किया है वो सीखने का मौका मिलता है। अरे ऐसे भी हो सकता है, यू नो जैसे हम बाकी एज वॉइस एक्टर्स भी, जब मैं अगर कभी बाहर बैठा हूं और आप डबिंग कर रहे हैं, वॉइस कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ अरे यार ये राजेश ने यार इसको इस तरह से किया, ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब तो वो जो एक आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट वो एक सीखने का मौका मिलता है, वो भी एक एक बहुत बड़ी देन है आई थिंक। बेशक बेशक, आर्टिस्ट को किसी को भी डब करते हुए देखना अपने आप में एक स्कूलिंग का हिस्सा है, मतलब आप इसको एक मतलब पाठशाला ही समझिए, कहीं से कहीं ना कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी, अरे वाह ये मैं करूंगा, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा, करेक्ट कोशिश करूंगा, उस स्तर तक ना पहुंच पाऊं लेकिन कोशिश कर सकता करेक्ट, हूं, तो ये बात होती हो गई। बस बस बढ़िया है। और सुमित जी आपके लिए काफी मैसेज लिख रहे हैं, काफी एक जन ने लिखा है कि प्लीज दाढ़ी बढ़ाइए, हैंडसम लगे। आपकी तरह। हाँ अच्छा, तो बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है कि इस फ्रेम में आप हैंडसम लग रहे हैं, तो जरा राजेश खन्ना जी की तरह नहीं, थोड़ा सा आपके पहले वाले लुक की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए पहले जो था इसलिए आई एम सो तो सॉरी, बढ़िया काफी लोग कह रहे हैं आप हमारे मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, सो सॉरी, ये एक्चुअली ये जो जुगलबंदी के चक्कर में मैसेजेस सारे पढ़े नहीं जा रहे हैं। मुस्टैज रखो, हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल,
एक्चुअली एक्टर का काम है लुक पर खेलते रहना, उसको बदलते रहना. और आई थिंक मेरी मेरी खुशकिस्मती यह है कि मैं जो भी लुक बनाता हूँ सब किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी को पसंद आ जाता है. लेकिन जिसको पिछला वाला लुक पसंद आया वो सोचने लगता है, अरे यार ये वैसा ठीक था, अब ये क्यों नहीं. बट आई थिंक वही है, यू नो, चलते रहना. जैसे आप हमें वॉइसिंग में अगर एक एक पार्ट करते हैं, किसी को पसंद आता है, फिर हम आगे चलकर कुछ और करते हैं, फिर बोलते हैं अरे आपने वो अच्छा किया था, वो करके सुनाइए. जैसे अभी आप कुछ, आई थिंक जब आपने शुरुआत की थी, कौन सा पार्ट था, कौन सा वाला? कुछ तो आपके लाइव शुरुआत में आपने कुछ. बल्ले बल्ले शावा शावा आ गया फिर से राजू कावा. I must tell you, I mean, आप लोग तो परिचित होंगे राजेश से. He is so versatile. मतलब मुझे लगता है मेरा अपना एक स्टाइल है, मैं उसी में खेलता रहता हूँ थोड़ा आगे पीछे 19-20. पर ये जो मतलब क्या कहते हैं 13 और 25 वाला जो मामला है वो इनका है. मतलब ऐसा रेंज है कमाल का एज अ वॉइस एक्टर. मतलब कभी कभी सोचता हूँ सीखूं, मैंने कहा ये अपने से ना हो पाए. ये अलग ही लेवल के आर्टिस्ट है. नहीं, सब सब अपनी जो जो है पथ पे अच्छे से ही चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. तो हम ज्यादा वक्त न गवाते हुए सुमित जी, आपके पास स्क्रिप्ट भेज दी है मैंने, जी जी और जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं सबको बता दूं, आज की स्क्रिप्ट वाकई अलग है, थोड़ी चैलेंजिंग है. जो मुख्य किरदार है वो है राम और रानी. राम प्ले कर रहे हैं सुमित सर, और रानी मैं प्ले कर रहा हूँ, जो कि एक किन्नर है. कोई भी भूल चूक हो जाए तो माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करने जा रहा हूँ. और वाकई बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी है सुमित जी, एक बार फिर से तालियां हो जाए. मतलब अनुराग पराशर के लिए, अनुराग पराशर बहुत ही सुपर लिखे हैं. अनुराग जी, वो भी देख, अनुराग जी रियली अमेजिंग. मैंने पढ़ा है, दो एक दो बार पढ़ा मैंने, और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, बहुत कनेक्टिविटी है, और उसमें फ्लो भी बहुत अच्छा है, पढ़ने में आसान हो जाता है. ये एक्चुअली एक आई मस्ट से इट्स गुड दैट आप कह रहे हैं कि एज वॉइस एक्टर्स हम रियलाइज करते हैं कि समटाइम्स, और ये मैंने टेलीविजन में भी देखा है, फिल्मों में भी देखा है, नॉट इनफ वैल्यू इज गिवन टू द राइटर. जबकि राइटर का बहुत ज्यादा बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है किसी भी स्टोरी के सक्सेस होने में. क्योंकि जो अच्छा लिखता है तो अभिनेता या वॉइस एक्टर या एक्टर को उसको करने में इतनी आसानी हो जाती है, आपको उस पे कुछ काम ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो उसका फ्लो अपना इतना नेचुरल होता है. अच्छा, कोई कुछ लोग बोल रहे हैं बफर हो रहा है, ये किसकी तरह? जो भी मैं सबको पूछना चाहूंगा, शाश्वत ने लिखा है, शाश्वत मेरे भाई बफर हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? मैं नहीं दिख रहा, सुमित सर नहीं दिख रहे, हम दोनों नहीं दिख रहे, आवाज नहीं आ रही, वीडियो चिप कर रही है, क्या हो रहा है? मतलब किसी और को ये दिक्कत हो रही है कि सब सही है, कि हम आगे बढ़े स्टोरी शुरू करें? कोई लिखेगा? हेलो शशि, हेलो बोल रहे हैं, ठीक है. क्या सभी को आवाज और वीडियो क्लियर नजर आ रहा है और सुनाई दे रहा है? या शाश्वत हेलो लिख रहे हैं हमारे मेरे भाई नागमणि, शाश्वत सही आ रहा है मेरे भाई, क्या बफर हो रहा है भाई? शाश्वत भी बहुत ही अच्छे एस्पायरिंग वॉइस एक्टर हैं, वो अच्छी. अच्छा, थैंक यू नागमणि. गो ब्लड पूछ रहे हैं किन्नर मतलब. किन्नर मतलब आप, सुमित जी आप कुछ कहना चाहेंगे कैसे मैं उनको अच्छे? तो आई थिंक जैसे कि जेंडर वाइज हम एक वक्त था जब सिर्फ मेल और फीमेल कहा जाता था, अब जो एक थर्ड जेंडर जिसकी बात करते हैं जो उनको किन्नर. जी बिल्कुल नहीं, कोई लिख रहे हैं, कोई लिख रहे हैं गे, तो गे या लेस्बियन वाली बात ही नहीं है यहाँ. ये जी, जी, बोलिए. ये जो मेल और फीमेल नहीं, इन दोनों में से किसी में नहीं आते उनको उनको किन्नर कहा जाता है. तो उसकी कई वजह हो सकती हैं, कुछ बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ के साथ अगर कोई ट्रेजेडी हुई है जिसकी वजह से वो उस अवस्था में पहुंचे हैं. लेकिन वो ना मर्द, उनको मर्द की तरह ना देखा जाता है और ना औरत की तरह देखा जाता है, इसलिए उनको किन्नर कहा जाता है. जो एक्चुअली एक देखा जाए तो हमारे इस कल्चर में यही एक कल्चर है जिसने उनको एक एक स्पेशल और इम्पोर्टेंट दर्जा दिया है. जहाँ पर यू नो, जब छोटा बच्चा जब होता है तो उन्हीं के आशीर्वाद से उसकी शुरुआत की जाती है. जब कोई
बहू घर में आती है तो उनका आशीर्वाद लेना जरूरी हो जाता है, यू नो, उसको एक एक उनके आशीर्वाद को बड़ा माना जाता है, यू नो, तो बच्चे के जन्म पर भी उनका आशीर्वाद मिलता है घर में, मतलब घर के अंदर कोई नया सदस्य जैसे बच्चे का जन्म हो तो उन्हें भी अच्छे से आशीर्वाद दिया जाता है। ठीक है, आप लोग सब सब अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस कहानी का नाम है काम, और अगर सुमित जी आप स्क्रिप्ट के साथ रेडी हैं तो शुरू करते हैं। जी 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 बिल्कुल शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एज यूजुअल हम दोनों ने कोई रिहर्सल नहीं की, कुछ नहीं किया, अपने अपने हिसाब से जो कैरेक्टर डिजाइन किए हैं, जो सुर तय किया है, शुरू करते हैं। ठीक है, आपने अपने घर में सबके लाइट्स हैं भाई, सबके मोबाइल के कैमराज हैं, और एक्शन। राम फोन पर है। हाँ भाई, बस पहुंच गया, जू बीच पर ही हूं। वो मिली नहीं यार, क्या बोला? लाल साड़ी में? हाँ दिखी दिखी। अच्छा चल करता हूं बात। एक्सक्यूज मी। अरे बोलना। ओ सॉरी, वो साड़ी देख के मैं कंफ्यूज हो गया, मैं किसी और को ढूंढ रहा था। तो मेरे को भी ढूंढना, मेरे को भी देखना, मैं तो इधर ही खड़ी है। हाँ हाँ तो आप खड़ी रहिए ना, मैं जिससे मिलने आया हूँ उससे मिलूंगा ना। हाँ तो मेरे से भी मिलना, मिलके जाना चिकने। I'm sorry. तो ठीक है, डोंट वरी वरी वरी। हेलो। हाँ यार नहीं मिली यार मुझे, कोई फोटो वोटो या नंबर भेजना उसका। अरे यार तेरी दोस्त है, मैं सिंगल हूं तो मेरे मजे ले रहा है तू। अरे नहीं भाई ऐसी बात नहीं है यार, शिल्पा ने मना किया है उसका नंबर देने को यार, इसलिए। अरे बोली कि पसंद आएगा तो खुद नंबर देगी तुझे। वेट वेट मैं बताता हूँ यार, देखता हूँ उसको, पूछता हूँ। ठीक है ओके भाई, वेटिंग। यार ये करण भी ना फोटो तक नहीं दिखा रहा, बोलता है कि खुद देख लेना। देखते हैं भैया कौन हूर परी आती है। आय हाय राजा, तू अभी इधर ही बैठा है, आई नहीं क्या तेरी छमिया दिलरुबा तेरे को मिलने? हाँ हाँ वो आई तो नहीं है, वो वेट कर रहा हूँ। देख राजा, ये लड़की लोग ना वेट करा करा के आदमी लोग का ओवर वेट करा देती है। हाँ, फिर बोलती है तुम तो मोटे हो गए जानू। नहीं, मैं तो सही हूँ। हाँ तू तो सही है रे चिकने, एकदम सही है। मैं बैठी हूँ क्या इधर तेरे बगल में? बैठी हूँ क्या बाजू में? बैठी हूँ क्या मतलब इधर मेरे साथ? हाँ वही तो पूछ रही मैं। हंस रहा है क्या, शर्मा रहा है तू? तू क्या बोलेगा मतलब? देख देख ये साफ किया जगह पे, एकदम फूक मार के मैंने, देख क्लीन हो गया। हाँ ये हीरो नाम क्या है तेरा? राम, राम शर्मा। राम शर्मा, तू मत शर्मा। वाह तू तो सीधा भगवान से मतलब कांटेक्ट में रहेगा ना राम? अरे नहीं, कांटेक्ट कुछ नहीं है, वो माँ बाप ने रखा था, दशहरे के दिन पैदा हुआ था मैं इसलिए। अरे वाह, चेहरा देख लाल है तेरा, खुश रहते होंगे ना तेरे माँ बाप तेरे से, नाम रखा है राम। हाँ खुश तो थे। एनीवे माफ करना, और आपके माँ बाप? अपना किधर कोई माँ बाप, ऐसे पैदा होता है तो ऐसे देख रहा है तू, ये ऐसे पैदा होता है ना तो शक्ल पसंद नहीं आती ना, तो क्या होता है कि हमारा तो कचरे में जन्म होता है, अनाथालय में या दीदी लोग के घर पे ऐसे छोड़ देते हैं, माँ बाप का ना होना तो श्राप है रे, क्या करेगा। I'm sorry. मैं भी ना। वैसे नाम क्या है आपका? मेरा नाम है
रानी। रानी, हाँ बहुत सही नाम है, दिखती भी आप रानी के जैसे ही हो। थैंक यू थैंक तो ये नाम किसने रखा आपका? यू। ये नाम तो मैं खुद ही रखी। मैं अपनी क्या कहते हैं लाइफ बोलते हैं ना अंग्रेजी में, मैं अपनी जिंदगी की रानी। हाँ, होना भी चाहिए। तो हाँ आप लोग, मेरा मतलब, काम नहीं करते ना, तो कैसे चलता है सब कुछ? अरे खर्चा वर्चा तो हम लोग करते हैं, बहुत पुल ऑन करते हैं। आय हाय, अरे चिकने, एक मिनट, अरे चिकने क्या देख रहा है, किधर जा रहा है, अरे ओ अरे जा रहा है तो देखे जाना, कंजूस मक्खी चूस, अरे अच्छा, देखा कैसे मुंह बना के गया। ऐसा चलता है, हमको काम ही कौन देगा? हाँ राजा, काम कौन देगा? हम लोगों की बुरी नजर उतारते हैं, समझा, कि किसी को ऐसी लगी है नजर वजर, तो हम लोगों की बुरी नजर उतारते हैं, पर लोग हमको ही बुरी नजर से देखते हैं। हाँ वो तो है, लोग की सोच में ही मोच है, पता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो तू बताना चिकने, तू क्या करता है? मेरा एक बुटीक है, वो लेडीज वहां कपड़े सिलती हैं। अरे वाह, तो तू मेरे को काम देगा अगर तेरी सोच में मोच नहीं है तो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपको आती है टेलरिंग के लिए? हाँ सिलाई ना। हाँ तो ये देख, ये जो मैं साड़ी पहनी है, ये तो ब्लाउज है, मैं खुद सिली, अच्छी है ना देख। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी है। हाँ एक मिनट, हम फोन आ रहा है। हाँ करण भाई, बताना क्या सीन है यार। अरे भाई लोचा हो गया, दिक्कत हो गई भाई। क्या हुआ? अरे भाई वो लड़की ना तेरे को मिलने आने वाली थी ना, उसको ना टिंडे पर, मतलब जो ऐप है ना टिंडे ऐप, उस पर कोई मिल गया रे, उसके साथ चली गई वो सीधा। तो मैं यहाँ अब फुद्दू बन के बैठा हुआ हूं? तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, रख तू फोन। अरे भाई, अरे सुनना, अरे तू भी डाउनलोड कर लेना टिंडे ऐप, गोभी जैसी फूल सी लड़कियां मिलती है उधर, देख ट्राई मैं कर। अरे फूल गोभी फेंक के मारूंगा, पत्ता गोभी बन जाएगा तू, रख तू फोन। अरे गरम हो गया, ए चिकने क्या हुआ बाबू, इधर देख सब ठीक तो। हाँ यार, वो सब ठीक ही है, जिससे मिलने आया था वो अब नहीं आ रही, उसको कोई और मिल गया मोबाइल ऐप से। ये मोबाइल शोबाइल ना सब नरक है नरक, और एक नंबर की ठरक है इसमें। असली दिल का मिलना तो नजरे मिलने से शुरू होता है और रिश्ते जुड़ने पे खत्म होता है। क्या बात कही है। अच्छा सुनिए, ये लीजिए, ये मेरा कार्ड है। कार्ड मेरे को काय को? अरे आपने कहा था ना वो काम, तो इस पते पे आ जाए। अरे मैं तो ऐसे ही बोली ना बाबा हाँ बाबा। तो बस ऐसे ही आ जाना, घूमते घूमते, जैसे मैं यहाँ आ गया। हजार साल जिएगा तू राजा, नजर ना लगे तुझे। आए हाय अच्छा, ख्याल बाय बाय। रखना अपना। सुपर, क्या बात, मतलब ये अलग ही कहानी, अलग टची कहानी ना, तो उसी जोन में पकड़ के मैं। बहुत अच्छा था यार। इट वाज वेरी वेल रिटन। आई होप वी वर एबल टू डू सम जस्टिस टू इट, अनुराग। आई डोंट नो, हमने ऐसे इम्प्रोम्प्टू करके, पता नहीं लोगों को पसंद आया नहीं आया, आई होप पसंद आया हो। तो नहीं, बेशक बेशक पसंद आया, और देख रहे हैं जितने हैं उतने हैं, कोई कम नहीं हुआ है मतलब। और दूसरा पॉइंट ये बताऊं सुमित भाई,
आमतौर पर हम 6-7 बजे करते हैं, तो लोगों को 7 बजे की आदत है, आज हम 9 कर रहे हैं ना, तो 9 बजे क्या होता है, जो वेस्ट बंगाल है या नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जो हिमाचल उड़ीसा और हिमाचल नहीं सॉरी उड़ीसा अरुणाचल प्रदेश वहां जो उस तरफ, वहां जल्दी अंधेरा होता है तो वाइंड अप हो जाता है। तो काफी वहां के भी फैंस है जो आमतौर पर मुझे लिखते हैं कि सर 6 बजे कीजिए, सर 7 बजे कीजिए, तो ये उनके लिए ये बहुत ही लेट है, वहां तो कोई चार कोई लिख पांच रहा है बजे सर तो प्लीज सेव दिस एंड शेयर इट ऑन इंस्टा, तो आप ऐसा करते हैं क्या? डेफिनेटली आई सेव इट ऑन माई IGTV डूड, आप देख सकते हैं मेरे सारे जो है ये जुगलबंदी के वीडियोस उस पर हैं, आप देख सकते हैं एक से एक बढ़कर है। तो थैंक यू सो मच, वाकई दिल दिल छू गया मेरे भाई, इतना कैजुअल किया, इतना नेचुरल किया ना, तो मैं भी उसी जोन में था। हाँ, बिकॉज आई ओपी मुझे एक्टिंग, मुझे ऐसा ओपी लग रहा था एक्टिंग कि से लिखे। इसको ज्यादा एनहेंस करने की जरूरत नहीं थी, एक बड़ा नॉर्मल सा लड़का नहीं था, यू नो, जो किसी तरीके से शायद सेटल होना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है किसी से, और क्या कहते हैं, धोखा मिल गया उसको टिंडे की वजह से धोखा मिल गया हाथ में गोभी आ यस गया यस, और कोशिश ये थी मेरी भी, क्योंकि अगर ये थोड़ा समझा हुआ और जो दिमाग इस्तेमाल करके जो कोई भी कदम रखते हैं वो उस टाइप का किन्नर है ये, तो उसने जो पहल की, बात की, पहचान की, तो वो बहुत ही इतना भी नहीं खुला कि सामने वाला घबरा जाए, इसलिए बहुत ही एक ब्रैकेट बनाकर चले। बहुत करेक्ट बढ़िया, करेक्ट आवारा करेक्ट मस्ताना करेक्ट। हमारे राइटर अनुराग पराशर लिख रहे हैं, अरे अरे पराशर लिख वाह, रहे हैं, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, बस जेनुइन, राइटर खुश तो हम और खुश, क्या और चाहिए, क्या चाहिए। एब्सोल्युटली। आ तो थैंक जो यू गाइस, देखिए काफी दिख रहे हैं, अमेजिंग, जबरदस्त, अच्छा किया आप दोनों ने, अमेजिंग एक्ट बाय बोथ ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच, लव यू, और बस ऐसे ही ये ऊर्जा है, यही एनर्जी हमें जो मिलती है, थैंक यू सो मच, फुल पावर स्टोरी जी, यस थैंक यू, सपोर्ट, लव लव लव। तो वाकई ये जो एफर्टलेस एक्टर है, जो लगा ही नहीं कि आप वॉइस एक्टिंग कर रहे हैं बिना किसी भी वो एफर्ट के, तो उसके लिए मैं तो प्यार करता ही हूँ, और उसके लिए तालियां भी, थैंक यू सो मच मेरे भाई। अगर कोई और सुर या कुछ और लाउड मिला होता तो मैं कुछ और ट्रैक पे होता करेक्ट इस करेक्ट कैरेक्टर को करेक्ट लेकर, करेक्ट करेक्ट, यू आर राइट, यू आर राइट। तो जो मिला उसको लेकर हम दोनों चले, बहुत मजा आया। तो YouTube पर भी है जी, हाँ, जैसे शाश्वत भाई ने बोला, शाश्वत सागर ने, कि YouTube पर चैनल है, मैं एक एक करके वहां पे भी वीडियो डालता हूँ, और वहां सुमित जी मैं ये डालता हूँ वीडियो एडिट करके स्क्रिप्ट के साथ, एक तरफ मैं और आप ड्रामा कर रहे हैं और एक ओह, तरफ यहाँ स्क्रिप्ट बट भी ये कैसे रोल हो मैनेज रही है। करते हो, इंस्टा इंस्टा के लाइव को यूट्यूब पे कैसे मैनेज करते हो? ये इंस्टा को लाइव वो मेरे पास डाउनलोड आ जाता है, फिर इसको मैं एडिट करवा के वो जो स्क्रिप्ट एक फ्रेम में स्क्रिप्ट डाल के, ताकि लोग पढ़ पाए, जो प्रैक्टिस करना चाहता है स्क्रिप्ट के साथ जो भी आर्टिस्ट, वो वहां कर पाए, ओके 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 तो सारे जो वीडियोस हैं स्क्रिप्ट के साथ हैं, तो वेरी पूरी गुड, कोशिश, जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं जिनको प्रैक्टिस करनी है, बाकी सारे एपिसोड्स के वहां पर हैं वीडियोस और स्क्रिप्ट के साथ है, तो बकायदा आप वो स्क्रिप्ट देखिए, प्ले पॉज कीजिए, स्क्रिप्ट पढ़िए, रियाज कीजिए और उसके साथ एक्टिंग करने की कोशिश कीजिए। नो करेक्ट। डाउट काफी एक्टर्स, वॉइस एक्टर्स ने बहुत इम्प्रोवाइज किया है, लेकिन थैंक यू यहाँ थैंक यू, वहां से थैंक्स भी राजीव, थैंक यू। आपको देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। आई गॉट इमोशनल, शुभम अंडरस्कोर पॉपली पॉपली, थैंक यू सो अरे स्वीट। वाकई बिल्कुल छू लेने वाली स्क्रिप्ट थी वाकई, इसलिए मैं भी वो खत्म करने के बाद वो थोड़ा भारी हो गया। आई होप कि पिछले वाले सुनकर वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कुछ ज्यादा करेगा, क्योंकि मुझे लगा कि इस स्क्रिप्ट को अननेसेसरली ओवर वॉइस के थ्रू एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं थी। आई थिंक ये एक बहुत ही सिंपल इसमें, और आपको क्या नाम है आपके, जो जो किन्नर का कैरेक्टर था वो अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग और कलरफुल है, उसके सामने अगर राम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लेकर आता, तो उस उन दोनों का जो डिफ्रेंसिएशन है, और जो किन्नर को राम की सिंप्लिसिटी नजर आ रही है, और राम को जो किन्नर की एक जो जैसा तुम्हारा फुल पावर जो एक अंदाज है ना, वो जो एक चीज जो नजर आती है वो नजर नहीं आता आई फील। तो आई फील आई होप वो क्या कहते हैं, नहीं डिसअपॉइंट वाकई वाकई, यस यस डेफिनेटली, सभी बहुत खुश हैं, काफी अच्छा लिख रहे हैं कि यू बोथ आर
true artists who gave life to the character and make them alive. I got emotional. और भाई आपके लिए रिक्वेस्ट आ रही है भाई, डार्थ वेडर और क्या है दूसरा जो है ब्लैक पैंथर, डिडंट एक्सपेक्ट दिस एट ऑल विदाउट रिहर्सल. क्या अदा थी राजेश, क्या अदा थी राजेश सर की, हाय हाय. मुझे यार तुम्हारी तरह अपने डायलॉग्स याद नहीं रहते हैं अपने कैरेक्टर्स के, मुझे तो एक्टिंग में नहीं रहते हैं और वॉइस एक्टिंग में नहीं. अब यहाँ ये लोग बोल रहे हैं ब्लैक पैंथर की वॉइस, तो उसके लिए एक काम कर सकते हैं सुमित सर, मैं आपको बताता हूँ सुमित जी, आप उस जोन में जाकर कुछ भी लाइन बोल देंगे, अपने आप ब्लैक पैंथर बन जाएंगे, बस आपको वो कैरेक्टर का मूड लाएंगे, डायलॉग्स भले याद ना हो कोई बात नहीं, उस एटीट्यूड को पकड़ के चल जाएंगे, सुनने वालों को डार्क वेडर या ब्लैक पैंथर जो आप बोल रहे हैं वही सुनाए. लव फ्रॉम कश्मीर सर, टाइगर. कौन है भाई कश्मीर से? टाइगर डॉट टर्बो 35. चलिए आपको भी, आपको भी नमस्कार, आपको सलाम. लव फ्रॉम बांग्लादेश. लव यू ऑल. अलग अलग शहरों से है, प्लीज लिखिएगा, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप कौन से देश के कोने से सुन रहे हैं. तो थैंक यू सो मच बांग्लादेश, कश्मीर, बहुत बहुत शुक्रिया जी. आप जहन में सोचिएगा सुमित जी, क्या कौन सा डार्थ वेडर, ब्लैक पैंथर और दूसरा जो तो मैंने नहीं किया था, मैंने ब्लैक पैंथर का किया था और वेनम का जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टर है सर वो, रिज अहमद, ऊपर अब किया था ना, बहुत वो एक्टर कमाल के एक्टर हैं मुझे. अरे आपको बताऊं, मैंने आपने अगर फिल्म देखी हो तो मीरा नायर की एक फिल्म आई थी रिलेक्टेंट फंडामेंटल, लीड, हाँ उनको मैंने डब किया था हिंदी में थिएटर के लिए. क्या बात कर रहे हो. यस यस, वाकई मैं वो खुशकिस्मत कलाकारों में हूँ, मैंने उनको डब किया था और वो बकायदा उर्दू में डब हुई थी. मतलब जो रेशियो होता है हिंदी उर्दू का, उसमें उर्दू वाला रेशियो ज्यादा थी क्योंकि वो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर रिलीज हुई. अच्छा. तो मैंने जो भाषा और जो बोले हैं एक एक शब्द अल्फाज तलफ, मजा आ गया था. तो कभी वक्त मिले तो हिंदी देखने की कोशिश कीजिएगा. जरूर. किरदार है एक, मैं और जो एक रिपोर्टर है वो हॉलीवुड एक्टर ने प्ले किया था, वो डब किया था समय जी ने, समय ठक्कर, वो भी माहिर एक्टर है. समय जी और मैं, वाकई मजा आया था उस फिल्म में. ओमपुरी साहब है, ओमपुरी साहब को डब किया था अपने गुम्मन साहब, परमिंदर साहब. अच्छा 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 अच्छा, अद्भुत अद्भुत फिल्म. तो वाकई वो मीरा नायर जी ने वहां से अप्रूवल आया था मेरी वॉइस के लिए और मैंने डब किया. गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस. आई एम रियली, उनको उनको डब करने में बहुत मजा आया क्योंकि वो खुद बहुत सटल प्ले करते हैं, यू नो. उसमें आपको क्या हो जाता है कभी कभी, वॉइस बनाना जो है ना वो ऑल्दो अपने आप में एक आर्ट और स्किल है, लेकिन वो कभी कभी एज वॉइस एक्टर्स हमारे लिए ना एक सेफ जोन भी हो जाता है कि जो सिंपल बेसिक करना जो होता है ना वो कभी उसमें आपकी आपके नुक्स ज्यादा पता लगने के चांसेस होते हैं. जैसे अरे अरे यार क्या बात कर रहे हो, आप एक उसमें एक पैटर्न बना सकते हैं लेकिन हाँ ये निकल जाता है नॉर्मल में उसमें, और वो एंटरटेनिंग भी बन जाता है, तो आपके जो नुक्स हैं वो थोड़े कम नजर आते हैं. बट जब जब आप सटल कैरेक्टर को वॉइस देने लगते हैं ना तो उसमें आप पैटर्न नहीं बना सकते, आपको हर शब्द को समझना पड़ेगा कि सामने वाला क्या कह रहा है, यू नो, हर शब्द को समझना पड़ेगा कि क्या क्या. अब ये नहीं कर सकते आप क्योंकि आप ड्रामा नहीं कर सकते, आपको जैसा उन्होंने साफ 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 बोला है वैसे ही बोलना पड़ेगा. इसीलिए मुझे लगता है इसीलिए समाओ या तो मैं भी बहुत सुमित जी सॉरी बीच में रोक रहा हूँ, देखिए लिख रहे हैं लव फ्रॉम तेलंगाना, लव फ्रॉम छत्तीसगढ़. क्या अच्छा लग रहा है, लव फ्रॉम पाकिस्तान भी, पाकिस्तान से भी कोई लव भेज रहे हैं भाई, वेरी नाइस. महाराष्ट्र से, लखनऊ से, केनिया, अरे लखनऊ, बेंगलोर, केनिया से भी हैं. यस यस, कोटा राजस्थान, क्या बात क्या बात, वेरी नाइस. दिल्ली, सुपर सुपर. यस, तो कुछ आप ब्लैक पैंथर में जाइए सर. मेरा काम है वकांडा की रक्षा करना,
और अपना काम निभाना मैं बखूबी जानता हूं। इसका ये यही जोन रखा था मैंने। क्या बात क्या बात क्या बात, ये जो स्ट्रेट ये जो ठहराव है ये जितना आसान लगता है सुनने में मजा आता है वो उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि ठहराव वाले कैरेक्टर पे मुझे हमेशा बहुत ही फोकस करना पड़ता है। वाकई मैं ये करेक्ट, समझता हूँ कि इतने सालों का एक्सपीरियंस भी इतना आपको मेहनत मांगता है उस कैरेक्टर में। जैसे तो अभी एक ऑफ कोर्स वो इट्स वो सीरीज आई थिंक मुझे लगता है एक अबव एज ग्रुप वाली सीरीज है जो अभी ऑनलाइन चल रही है, क्या नाम है उसका, हुप्स, हुप्स नेटफ्लिक्स पर चल रही है वो। तो वो कैरेक्टर वो जो वो बड़ा वो मतलब वो गाली गलोच वाला कैरेक्टर मेरे लिए वो सबसे बड़ा सबसे मुश्किल काम था उसको वॉइस करना, क्योंकि वो हर दूसरे लाइन में गाली बोल रहा है। और जब मैंने जब उन्होंने मुझे कास्ट किया मैं उनको बोल रहा हूँ आपने किस बेसिस पर मुझे कास्ट किया, आपने कभी मुझे गाली दे दी उस तो वो बोलते हैं नेटफ्लिक्स की वो शो की वो काफी रंग है, वो भी एक बड़ा रंग है नेटफ्लिक्स वालों का। हाँ तो लेकिन वो कैरेक्टर करने में मुझे बड़ा मजा इसलिए आया क्योंकि मुझे अपने एक सेट पैटर्न से हटके कुछ करना पड़ा। अबे यार तू क्या कर रहा है मेरे पीछे आ गया तू मेरे यू नो। तो वो अब नॉर्मली मैं इस तरह से बात करता नहीं हूँ ना, मुझे ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं तो, लेकिन उसमें आप जब करना पड़ा तो आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ा, जो मैं आपको बता रहा था ना कि जब आपको मैच करना पड़ता है आप रियलाइज करते हो यार मैं एज एन एक्टर तो मुझे कभी ऐसे रोल मिलते नहीं है, इस तरह के लाउड रोल कभी नहीं मिलते क्योंकि मेरे पर्सनैलिटी को देख के कोई देता नहीं है। अब मैं जिस तरह से बात करता हूँ उसको देखकर कोई मुझे इस तरह के रोल, तो जब मुझे फाइनली इसके लिए कॉल आई मैंने कहा किस बेसिस पे आपने सोचा, आई एम सो थैंकफुल कि आपने कुछ अलग करने को दिया। तो फिर जब मैंने वो इस समय लॉकडाउन के समय ही मुझे तो मैंने घर से वो करके भेजा कि तो बट ऑफ कोर्स उसमें अगर किसी को मौका मिले तो देखना चाहिए हुप्स, वो हिंदी में जो है वो जो मेन कैरेक्टर है उनका। मैं इन सारे शब्दों से सहमत हूँ, जो भी सुन रहे हैं उनको बताना चाहूंगा। ये इसी तरह की एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सुमित जी, कि मैं धमाल मैडनेस पागलपन कॉमेडी और वो उस जोन में ज्यादा खेलने वाला, कुछ और किरदार भी किए हैं लेकिन मुझे साइको संकी और वो जो वो होता है वहां कहां कैसे पहुंचा दिया पता नहीं, काफी कैरेक्टर। हाय फैजा, लव फ्रॉम ग्लासगो, मैं अभी ग्लासगो गया हुआ था तो हमारी एक दोस्त वहां बनी फैजा तो वो कनेक्ट हुई और वो हेलो कह रही है। या हाय नागपुर से भी गेदान नितिन, सुपर सुपर। तो भाई मैं जैसे संकी कैरेक्टर मैंने भरमार अभी जैसे रैचेड में वो जो एक कैरेक्टर है वो संकी भाई है वो बात बात में गाली बोलता है, खड़े खड़े किसी का मर्डर कर देते, इतना संकी भरोसा नहीं, वैसे काफी किए मैंने। जेसिका जोन्स में किलग्रेव किया तो नेटफ्लिक्स वालों के साथ तो मेरा वैसा भी नाता हो गया कि संकी साइक जो अभी इंटरनेशनल अवार्ड के लिए गई है दिल्ली क्राइम जो सीरीज, हाँ दिल्ली क्राइम, हाँ उसमें जो मेन जो दिल्ली बस में जो वो वाला पूरा कांड था उसका जो कल्प्रिट था वो जो बस में, अच्छा वो तुमने किया, वो मैंने किया अंग्रेजी में। जैसे अभी नेटफ्लिक्स का आई हैव बिकम ये अपने एडम सैंडलर जो है उनकी ऑफिशियल मतलब वॉइस में वो सारे फिल्म्स में मुझे बुलाते रहते हैं, तो उसमें अभी एक फिल्म की थी वो एडम सैंडलर भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक्टर है, तो उसने ना अभी अपने एक जो ह्यूबी हैलोवीन के लिए शायद वो अभी रिलीज हुई थी तो उसमें इट्स देयर ऑन नेटफ्लिक्स। तो वो बात हमेशा ऐसे करते हैं कि आप यू नो आपको मैं वहां जा रहा था और उन्होंने मुझे वहां जाके एक मुझे थोड़ा सा पानी दिया, मैंने पी लिया उसको, उसके बाद जो मेरी प्यास बुझ गई तो अच्छा लगा मुझे, तो उस तरह का कुछ उसने पूरा पूरी फिल्म में वो ऐसे ही बोला है वो। और क्या बात, क्या बात? आपको वो मेंटेन करना है उस, और उसने इमोशन भी रखा है, वो उसको कॉमिक नहीं कर रहा, जी जी उसको जी, जी. जानबूझ के कॉमिक नहीं कर रहा, उसके बोलने का तरीका ही ऐसा है। तो राजेश जी हम लोग अपना एक जुगलबंदी शुरू करते हैं उसमें मजा आएगा, प्लीज आप परेशान मत होइए, मैं अगर जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए क्या बात है तो जो भी देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। ये फिलहाल इन्होंने करते करते एक और किरदार आपके सामने पेश कर दिया, तो यहाँ से भी आप किरदार मतलब ये एफर्टलेस जो इन्होंने ये प्ले किया, मतलब वाकई इस चीज को देखना
समझना सीखना कि जबान नीचे रखनी है, होंठ मोड़ना है, क्या करना है, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ से भी आप एक किरदार पैदा कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया सुमित जी, वाकई मजा आया सुमित जी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी मजा आया होगा वॉइस एक्टिंग की जुगलबंदी में, कुछ अलग है ना। मैं एक्चुअली तो एक चीज जानना चाहता हूँ, तो जब हाँ आप हाँ जब आप कोई यू नो आपको बुलाया जाता है किसी एक किरदार के लिए, तो उसको डब करने से पहले या डब करते वक्त आप सबसे ज्यादा क्या ऑब्जर्व या नोटिस करते हैं? वो क्या चीज है जो सबसे ज्यादा आपको एक राह देती है कि इस कैरेक्टर को मुझे इस तरह से करना होगा? कोई ऐसा कोई एक फॉर्मूला है या इट्स ओनली इंस्टिंक्ट? डेफिनेटली इंस्टिंक्ट तो है, लेकिन मैं दो चीज तो जानना चाहता हूँ जो भी डबिंग डायरेक्टर या क्रिएटिव जो होता है, दो चीज। एक तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। बहुत सिंपल आसान शब्दों में मैं ये जानना चाहता हूँ कि नहीं, ये पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, ये चीज। और उसके बाद मैं सिर्फ एक कोई भी एक सीन देखना चाहता हूँ उनका, क्योंकि मैं हर किरदार को डब करने से शुरू करने से पहले, फिर फीचर फिल्म हो, सीरीज हो, इतनी बड़ी बड़ी सीरीज नेटफ्लिक्स और बाकी, तो मैं ना सुमित भाई हमेशा बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखें और बॉडी लैंग्वेज, जो हाथ पैर, ये एक चीज पकड़ लेता हूँ कोई भी एक सीन पकड़ देख के। मैं बस एक सीन में पकड़ लिया, फिर उसको मैं अपने हिसाब से सेट करके सीधा पेश करता हूँ, तो लगभग कोशिश करता हूँ कि वो ऐसे चिपके कि, क्योंकि एक जोन में चिपक गया मैं, अगर नेगेटिव है तो। जैसे अभी शेरलॉक होम्स की फिल्म आई थी, होम्स एनोला एनोला होम्स, उसमें शेरलॉक होम्स के भाई का कैरेक्टर मैंने प्ले किया जो नेगेटिव है, तो वो कई, वो जो मैंने ऑडिशन दिया वो सीन ही काफी था मेरे लिए उस कैरेक्टर को जाने। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उसके लिए कुछ काम तुम करो, कुछ काम हम करें, तुम्हें जो करना है तुम समझ लोगे, लेकिन हमें जो करना है तुम पहले तो उसकी मम्मी के बारे में, मतलब ये जो बहुत ही कमीनापन जो था, एफर्टलेस था, अभी फिलहाल मैं लाइन्स याद नहीं है तो कर नहीं पा रहा, करेक्ट, लेकिन उस कमीनापन में मैंने आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा एक शाहरुख खान वाला टच डाल दिया। मैं कभी कभी ऐसा करता हूँ किसी किरदार के लिए, मतलब ये कई लोग कहते हैं कि वॉइस एक्टर को मिमिक्री आना जरूरी है क्या, कंपल्सरी है क्या, तो मेरा यही कहना है कि कहीं कहीं आप उसको अच्छा पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, करेक्ट, कंपल्सरी नहीं है, जरूरी नहीं आना चाहिए, लेकिन ये जो मैंने कमीना कैरेक्टर किया था उसमें थोड़ा शाहरुख डाल दिया, करेक्ट, ये कैसे होगा, अगर कर पाएंगे तो जरूर करेंगे, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा टच देके निकल गया, टच देके निकल गया। तो वही कोशिश रहती है सुमित सर कि बस एक बार पॉजिटिव नेगेटिव पता चल गया, फिर उसको बॉडी लैंग्वेज देख के मैं अच्छे से डिजाइन करने की कोशिश करता हूँ, पूरी तरह से न्याय देने की, फिर बाकी इनपुट होते हैं या डबिंग डायरेक्टर। नहीं, इट्स गुड, क्योंकि मैं भी वही चीज करता हूँ, यू नो, व्हेन आई एम, जब आप सबसे पहले मैं नोटिस, सबसे पहले मैं बॉडी लैंग्वेज को ही नोटिस करता हूँ कि वो इंसान जो है, इनफैक्ट कभी कभी, आई डोंट नो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ एक्टर्स जो हैं वो और ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कि अब जैसे नॉर्मल क्या होता है कि अगर मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हूँ, तो मैं, मेरी आंखें बड़ी हो जाती हैं, मेरे हाथ ऐसे हो जाते हैं और मेरी आवाज जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। कुछ एक्टर्स जो है वो उनके एक्शंस बड़े लाउड होते हैं, तो अगर जैसे उन्हें बोलना है कि राजेश यार तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ये बोलना है, तो वो बोलेंगे राजेश यार तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो उनका एक्शन जो है वो लाउड हुआ लेकिन आवाज जो है वो उसके साथ मैच नहीं कर रही। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कैरेक्टर देखो कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो यार, क्या पर्सनैलिटी है तुम्हारी, कैसे कर लेते हो यार, मतलब माइंड ब्लोइंग यार, यू नो, वो जो क्या नाम है, अमोल पालेकर जी है ना, वो आवाज अमोल पालेकर जी की और जो एक्शन है ना वो, मतलब अपने मुन्ना भाई का कौन था सर्किट यार अपना, तो एक्शन जो है वो ये हो रहा है और आवाज जो है वो ये हो रही है, होता है वाकई हुआ है मेरे साथ, ये बहुत ही उम्दा पॉइंट निकाला है सुमित सर ने, देखिए यहाँ होता है एक्सपीरियंस और
अदाकार कलाकार वॉइस एक्टर दोनों का मिक्सचर अद्भुत रूप से इन्होंने पेश किया है। जो भी सुन रहे हैं, जो भी एस्पायरिंग वॉइस एक्टर है, उनके लिए बहुत अच्छा लेसन है। देखिए ये होता है कि जो बॉडी लैंग्वेज है उनका लाउड है और उनका सुर है बोलने वाला, वो अंडर प्ले किया है, बहुत मजा हुआ है। ऐसा नहीं कि वो गलत है, सही है, लेकिन उसको मतलब वो उन्होंने ओरिजिनल में अब, और ये कई सारे एक्टर्स जो है वो नामी एक्टर्स होते हैं, तो अब इंसान को पता है कि भाई ये आवाज इस एक्टर की है। जैसे अब जो जो मुझे अगर कोई फॉलो करता है वो जानता है सुमित कौर की आवाज ऐसी है, तो आप जानते हैं कि ये बंदा, ये इसने डब नहीं किया है, ये इसकी अपनी आवाज है। अब लेकिन जब वो डब होता है तो अब एज ए डबिंग आर्टिस्ट, एज ए वॉइस एक्टर, आप सोचने लगते हो भाई मैं इसकी आवाज फॉलो करूं या मैं इसके बॉडी लैंग्वेज को फॉलो करूं। ठीक है, ठीक है, ये 100% सही है। और मैं आपको बता दूं कि इस ऐसी सिचुएशन में मैं अपनी चीज, अपने मन की चीज शायद बताता हूं कि मैं ऐसा करना चाहता हूं इस कैरेक्टर के साथ, या तो लो या तो लाउड, या तो इसको बैलेंस करते हैं, मैं बताता हूं अपने हिसाब से, फिर जो कैरेक्टर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन फिर मैं पूरी तरह से जो निर्णय है, डिसीजन, वो छोड़ता हूँ डायरेक्टर पे। वहां मैं बन जाता हूँ डायरेक्टर्स एक्टर, सुमित जी मैं आपको बता दूं, वहां डायरेक्टर्स एक्टर बन जाता हूँ। काफी मैं कैरेक्टर में खेलना जानता हूँ और बहुत खुश रहता हूँ कैरेक्टर के साथ खेलना। लेकिन यहाँ जो ऐसे तरीके आते हैं, तो कई बार क्या होता है, बहुत ऐसे रिक्वायरमेंट होती है उनकी, या ऊपर से ऑर्डर होता है, या पता नहीं ये डिसीजन वाली उनकी वो ये रीत है, या पता नहीं, वो कहते हैं नहीं, जो पायलट में जो सुर है, जो भी आप देख रहे हैं, उनको बता दूं पायलट मतलब क्या, पायलट मतलब जो ओरिजिनल साउंड ट्रैक होता है वीडियो के साथ हमें सुनाई देता है वो पायलट, ठीक है। तो पायलट में जो सुनाई दे रहा है सर, वही लीजिए सर, लाउड मत कीजिए। तो भले बॉडी लैंग्वेज में उन्होंने ये किया है, तो जैसे सुमित भाई ने बताया, लेकिन हमें पायलट, और कई लोग कहते हैं नहीं कि सर थोड़ा कर डालो, वो चीट लग रहा है, वो लग ही नहीं रहा है डब किया हुआ। तो आपको बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ा चीट करो सर, दो सुर एक सुर ऊपर आओ, देखते हैं, चेक करते हैं। तो ये होता है, ये पूरी तरह से क्रिएटिव डिसीजन जाता है डबिंग डायरेक्टर की झोली में। All you talented people in the house, full power.